हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ कार्बे एनायन, उसकी क्लासिफिकेशन की, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखा और हाइब्रिडाइजेशन को काफ़ी डिटेल में देखा। आज के लेक्चर में हम लेकर के आए हैं एप्लीकेशन ऑफ कार्बे एनायन। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग लगाएं एप्लीकेशन ऑफ कार्बे एनायन। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करें, मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूँगा जिसके बेस पे हम सभी टाइप की एप्लीकेशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले नोट लिखिए, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो नोट क्या है कि ग्रेटर इज द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट, ग्रेटर इज द इंटेंसिफिकेशन इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज देन ग्रेटर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। देखिए नोट क्या है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल होगा, यानी नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बे एनायन की। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिफिकेशन होगा, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट होगा, उतना अनस्टेबिलिटी होगी कार्बे एनायन की। इस नोट को आपको याद रखना है, इसके बेस पे ही सभी एप्लीकेशन जुड़ी हुई है जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट की तरफ। तो चलिए हेडिंग लगाएं एप्लीकेशन ऑफ कार्बे एनायन। सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, स्टेबिलिटी। तो ये बात तो अभी अभी हमने नोट में डिस्कस की है कि ग्रेटर इज द इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन किसका, इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव, इसको मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। अब इस नोट के बेस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन को वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बे एनायन का, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास मिथाइल कार्बे एनायन, उसके बाद जो हमारे पास स्टेबल है वो है प्राइमरी कार्बे एनायन, उसके बाद जो स्टेबल है सेकेंडरी कार्बे एनायन, उसके बाद जो स्टेबल है टर्शरी कार्बे एनायन। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम लिखते हैं मिथाइल कार्बे एनायन को, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बे एनायन है। इससे हम
बोलते हैं मिथाइल कार्बे एनायन, मिथाइल कार्बे एनायन। कई बार इसे हम 0 डिग्री कार्बे एनायन भी बोल देते हैं, हमने कार्बोकैटायन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। और जो प्राइमरी कार्बे एनायन है वो होता है हमारे पास इथाइल कार्बे एनायन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इथाइल कार्बे एनायन है? हमने इससे पहले लेक्चर में देखा कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है तो कौन सा कार्बे एनायन? वेरी नाइस, प्राइमरी कार्बे एनायन। इसका नाम है हमारे पास इथाइल कार्बे एनायन। और ये कौन सा कार्बे एनायन है? प्राइमरी कार्बे एनायन, यानी 1 डिग्री भी हम बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बे एनायन, लोन पे विद नेगेटिव साइन। अब देखिए जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्टली लिंक है 2 कार्बन से, तो हमारे पास ये होगा सेकेंडरी कार्बे एनायन। और इसका नाम देखें अगर हम, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बे एनायन। यह है हमारे पास सेकेंडरी कार्बे एनायन। और अगर हम बात करें टर्शरी कार्बे एनायन की, तो वो होगा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बे एनायन। अब ये टर्शरी क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली लिंक है 3 कार्बन से। इसका नेम अगर हम लिखें तो हमारे पास बनता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बे एनायन, ब्यूटाइल कार्बे एनायन। अब हम बोल रहे हैं कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने आपको नोट लिखवाया है कि ग्रेटर इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर इज़ द अनस्टेबिलिटी। इंटेंसिफिकेशन का मतलब यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होना, मतलब नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है जिसका ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज़। और जो मिथाइल ग्रुप है इसका हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर रहा है, यानी उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एक ग्रुप है हमारे पास, लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बे एनायन में देखें तो यही काम 2 ग्रुप कर रहे हैं, प्लस आई प्लस आई। और इस टर्शरी जो कार्बे एनायन है इसमें ये काम 3 ग्रुप कर रहे हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। डेट्स वाई द ऑर्डर इज प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन, सॉरी, मिथाइल कार्बे एनायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बे एनायन, एंड सेकेंडरी कार्बे एनायन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी कार्बे एनायन। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कार्बे एनायन। हमने नोट में देखा कि अगर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिफिकेशन हो रही है तो कार्बे एनायन की अनस्टेबिलिटी हो रही है, अगर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल हो रहा है तो हमारे पास कार्बे एनायन स्टेबल हो रहा है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बे एनायन का वो है मिथाइल कार्बे एनायन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है? मिथाइल कार्बेनायन में हमारे पास 3H है, ना कि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप है जिसका नेचर है रिलीजिंग, वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इंटेंसीफाई कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, यानी अनस्टेबल कर रहा है कार्बे एनायन को। और यहाँ पर ये काम 2 कर रहे हैं, यहाँ पर ये काम 3 ग्रुप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज़ दिस। तो आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग लगाएं, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बे एनायन। अब हमको नोट में पता है कि ग्रेटर इज द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बे एनायन greater is its stability, greater is its stability। हमने नोट में देखा कि जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा नेगेटिव चार्ज का उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब इस नोट के बेस पर ही हम इस एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने 3 कार्बे एनायन लिखता हूँ, हमें उसमें बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है।
फर्स्ट इज दिस, देन हमारे पास हो गया दिस, देन जो थर्ड हमारे पास कार्बन आयन है CH3CH2 लोन पे विद नेगेटिव साइन। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको नहीं पता फॉर द टाइमिंग याद रखें, अगर टाइम लगा तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिख सकते हैं हम यहाँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है तो हमारे पास होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो। आपको मैं वैसे बता दूं कि अगर जो ये कार्बन है इसके दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। यहाँ इसका यूज़ नहीं है लेकिन वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपको पता है कि sp में जो परसेंटेज s करेक्टर है वो होता है 50%, और इसमें जो परसेंटेज s करेक्टर होता है वो होता है 33%, और इसमें जो s करेक्टर होता है वो है हमारे पास 25%। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो परसेंटेज s करेक्टर है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब कि कितनी टेंडेंसी एक एटम की वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, नहीं बोलिए। तो मतलब सबसे ज़्यादा किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऑब्वियसली जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो sp2 है उसकी फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जो sp3 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लोन पेयर को खींचना यानी नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करना, ऑब्वियसली। तो मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, और जितना ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो डैट्स वाई जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो होगा हमारे पास ये कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन आयन हमारे पास सबसे स्टेबल होगा इन तीनों में। एक बार हम पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हमें पता है कि जितना ज़्यादा डिस्पोजल होगा नेगेटिव चार्ज का उतनी उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। हमने तीन मॉलिक्यूल को लिखा, हमने देखा कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके इसमें sp2, इसमें sp3, और जितना परसेंटेज एस करेक्टर है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज एस करेक्टर है हमारा ज़्यादा sp हाइब्रिडाइज कार्बन में, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन दोनों से। तो मतलब ये डिस्पोजल करेगा नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर टू। तो डैट्स वाई ग्रेटर इज द डिस्पोजल, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, एंड डैट्स वाई द ऑर्डर। अगर आपको थोड़ा और डीप समझना है कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ी, तो आपको पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि एटम के न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा ऑर्बिटल होता है, वेरी नाइस, एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के होल्ड में है, उसके इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होगा यानी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको जिस तरीके से समझना है समझिए, आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग लगाएं, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बन आयन। जो एलाइल कार्बन आयन होता है वो होता है हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब देखिए लोन पे सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर क्या होगी, रेजोनेंस दिस एयर एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट इन टू नेक्स्ट एटम, और हमारे पास जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारे पास
CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम बात करें बेंजाइल कार्बे एनायन की, वो होता है हमारे पास डबल सिंगल CH2 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। इसे हम बोलते हैं, इसे जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं एलाइल कार्बे एनायन, और जो हमारे पास ये है इसे हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बे एनायन। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल हैं, दिस एयर एंड डबल बॉन्ड इज ऑन द नेक्स्ट एटम। जो हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीन, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, और ये दो बॉन्ड ऐसे के ऐसे। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आएगा नेक्स्ट बॉन्ड पे, और जो ये बॉन्ड है शिफ्ट होगा नेक्स्ट एटम पर। तो हमारे पास जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बेंजीन, छोटा बड़ा हो तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया लोन पे विद नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा का ऐसा, और डबल बॉन्ड CH2 भी एज इट इज़। उसके बाद ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे और ये नेक्स्ट एटम पे। जो हमारा अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया डबल बॉन्ड, और ये शिफ्ट हो गया नेक्स्ट एटम पे, और डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद ये नेक्स्ट बॉन्ड पे और ये इस एटम पे। हमारे पास जो फाइनली स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड हो गया शिफ्ट यहाँ, और यहाँ बन गया हमारे पास अगेन बेंजाइल कार्बे एनायन। तो मतलब बेसिकली जो स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बे कैटायन है वो क्यों है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। अब इतना बोलने से अपना काम नहीं चलने वाला है, साइंस के स्टूडेंट है तो एक्सप्लेनेशन की तरफ हमें जरूर जाना पड़ेगा। अब रेजोनेंस की वजह से एलाइल और बेंजाइल कार्बे एनायन क्यों स्टेबल हुए, क्वेश्चन ये अराइज होता है। अगर आपको याद हो हमने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको नोट लिखवाया था कि जितना ज़्यादा डिस्पर्जल होगा नेगेटिव चार्ज का उतना ज़्यादा कार्बे एनायन स्टेबल होगा। अब देखिए ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, डीलोकेलाइज होने से उसका डिस्पर्जल हो रहा है यानी उसका इफेक्ट कम हो रहा है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, मतलब किसी एक जगह पर अपना इफेक्ट वो नहीं जमा पा रहा है, मतलब डीलोकेलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। ऐसा ही एलाइल कार्बे एनायन के केस में है, ऐसा ही बेंजाइल कार्बे एनायन के केस में है। तो दिस इज द रीजन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बे एनायन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम इसके बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग लगाएं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन कैरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में हम फर्स्ट एप्लीकेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं, अब जो रहती है बारी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सच है जैसे कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, NO2 ग्रुप भी हो सकता है, साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है, एंड मैनी मोर टेंड्स टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी हमने पिछले एप्लीकेशन में भी देखा डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेंड्स टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, और हमने नोट में ही देखा शुरुआत में कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करे वो कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि रेजोनेंस से डीलोकेलाइजेशन ऑफ होगा नेगेटिव चार्ज का, और वो किस वजह से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो करेगा डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
यानी इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डिस्पर्स करेंगे नेगेटिव चार्ज को, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कार्बन एनायन की। हमने फर्स्ट स्टेप में ही देखा जब हमने लेक्चर की स्टार्टिंग की, और वो किस वजह से होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। कार्बन एनायन नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली लिंक विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप। या आगे हमारे पास, अब देखिए, लोन पे सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम पे, और हमारे पास जो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ओ नेगेटिव H। तो देखिए नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यानी उसका डिस्पर्जन हो रहा है, तो डैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन कैरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कार्बन एनायन। होपफुली आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और तो चलिए इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।